क्या हुआ अली? ठीक है, मैं आ रहा हूं, घबराओ मत। ठीक है, खुदा हाफिज। सुहेल, सुहेल, अली के साथ कोई बात हो गई क्या? ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ। प्लीज बताओ ना, क्या हुआ है उसे? अली पार्क से गुम हो गया है, शायद नर्स को बेवकूफ बना दिया है उसने। रुको, मैं भी आती हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा। सुहेल, इस वक्त जो तुम काम कर रही हो वो सबसे अहम है मेरे लिए। खुदा हाफिज। सॉरी जी। हेलो, हेलो, जी ध्यान से सुनो मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कोई आपके सामने हो तो उसे भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारा बेटा मेरे पास है, कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ से बात कर सकती हो। जी ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो। तारी मी सॉरी। अब बताओ, अकेली हूं मैं यहाँ। अहम बात यह है जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ, तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। मेरी बात मानकर शायद तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस मिल जाए, वरना इसकी लाश भी तुम्हें नहीं मिलेगी। लो, अली से बात करो, अपनी वालदा से बात करो। हेलो, हेलो, अम्मी, अम्मी, मुझे डर लग रहा है। प्लीज बेटा डरो नहीं, हिम्मत रखो। जिंदा देखना चाहती हो ना इसे? प्लीज उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वो बीमार है। जो आप कहेंगे मैं करूंगी। ध्यान से सुनो, जैसे जैसे मैं कहूं वैसे करना। इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी, समझ गई? ठीक है, ठीक है। एक घंटे में एक पैकेट कोरियर से तुम्हारे पास पहुंचेगा, अपने पास रखना, मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। हेलो, हाँ, बहुत खूब, शुक्रिया। एक पैकेट आपके लिए आया है, गेट पे है, क्या मैं ले आऊं? नहीं। हेलो, पैकेट खोलो। इसमें क्या है? पहले तुम बताओ कि कितनी शीशी फैक्ट्री रेट बना चुकी हो? लगभग 25। ठीक है, जो कुछ भी मैंने भेजा है वो उन 20 शीशियों में डाल दो। 5 शीशियां रोक लो, मुझे चाहिए। और हाँ, ह्यूमन टेस्ट का प्रोग्राम भी कैंसिल हो जाना चाहिए। तुम सुन रही हो ना मुझे? अगर चीटिंग करने की कोशिश की तो बहुत पछताओगी। मेरा बेटा अली इस वक्त कहाँ है? मेरे पास है, अगर उसे सही सलामत देखना चाहती हो तो वक्त बर्बाद मत करो।
एक्सक्यूज मी। यस। आप ठीक तो हैं डॉक्टर? जी मैं ठीक हूँ। मेरे लायक कोई काम हो तो बताएं। नहीं। मैं दरअसल इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक लेने के लिए आया था। जी आप इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। शुक्रिया। सलाम मायदा। सलाम। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज काम फाइनल स्टेज पर है। यकीन नहीं आ रहा कि कामयाब हो गए हैं हम। हाँ मुझे भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है, खासकर ऐसे ऐसे हादसों के बाद, मगर हकीकत यही है। आप लोग यहाँ आइए थोड़ी देर के लिए। क्यों क्या हुआ? एक प्रॉब्लम है इसमें, जरा इसका कलर देखो। क्या हुआ इसके रंग को? इसका रंग बदल रहा है, धुंधला सा हो गया है। आखिर कैसे? ये सब भी वैसे ही हो गए हैं। अब क्या करना चाहिए हमें? फिर से करें ताकि सही वजह का पता लगाया जा सके। इतना वक्त नहीं है डॉक्टर। इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं? आपकी क्या राय है डॉक्टर? मेरी? मैं कुछ नहीं कह सकती। जो समझ में आए वो करो तुम लोग। मैं बात करता हूं। हेलो। सलाम सर, डॉक्टर सत्रह का फोन है। जी सर, बात यह थी, हम लोग अभी तैयार नहीं हैं, कुछ काम बाकी है। एक प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता कि हुआ क्या है। ठीक है, ओके सर। नाराज हो रहे थे, हॉस्पिटल में सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। पर हमारे पास दवाई बनाने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं रहा। ऐसा क्या किया? डॉक्टर सदरा बहुत ही गुस्से में बात कर रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि जल्दी से यहां पर आ जाओ। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई है। क्या कह रहे हो डॉक्टर एहसान, हमारी सारी मेहनत बेकार गई? वो दवाएं खतरनाक जहर बन गई थी। हा? मगर रात तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। आज सुबह जब डॉक्टर ईरान मनीष ने देखा तब। वैसे हम अभी नाउम्मीद नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। टाइम चाहिए? तुम लोग यहां पर क्या कर रहे थे? मैं डॉक्टर सदरा को क्या जवाब दूंगा? अब उन्हें हमारे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं होगा। मगर हम लोगों ने तो बिल्कुल सही काम किया था। हाँ, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि किसी ने गड़बड़ी की है? पता नहीं, मगर जो हमें इसमें मिला है वो वही है जो पहले वाले मुर्दा खरगोश में मिला था। बस करो डॉक्टर। तुम क्यों कुछ नहीं कह रही हो? हेलो सलाम, मैं कामयाब बोल रहा हूँ, क्या मैं इस वक्त डॉक्टर सदरा से बात कर सकता हूँ? देखो मैं मिनिस्ट्री जा रहा हूँ, फिलहाल टेस्ट के लिए पेशेंट्स आए तो उन्हें वापस भेज दो, बाद में मैं देख लूंगा। हेलो
हेलो, मिनिस्ट्री से फोन है सर। ठीक है, कनेक्ट करो। ओके सर। सलाम। सलाम डॉक्टर साहब, मैं मिनिस्ट्री से बोल रही हूँ। जी बोलिए। डिप्टी साहब आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। आपका मतलब अभी? जी हाँ, अभी फौरन। जान सकता हूँ किस लिए? फैक्टर 8 के एग्रीमेंट के लिए मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनसे कह दीजिए मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये आपके लिए सर। शुक्रिया। डॉक्टर जलायर, इतनी अहम बात है कि मैं सीधे असली मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल ठीक। अफसोस की बात यह है कि आज डॉक्टर सदरा ने ऑफिशियली फैक्टर 8 के प्रोजेक्ट को फेलियर अनाउंस कर दिया है। इसलिए मिनिस्ट्री ने फैसला लिया है कि एग्रीमेंट के हिसाब से फैक्टर 8 के इम्पोर्ट का लाइसेंस आपकी कंपनी को दे दिया जाए। हम सिर्फ आपसे इतना चाहते हैं कि एग्रीमेंट फाइनल हो जाने के बाद फैक्टर 8 का इंतज़ाम जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, और हमें आपसे उम्मीद भी यही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बस ज़रा इसे बनाने वाली कंपनियों से रिलेशन अच्छे न होने की वजह से 1-2 हफ्ते का टाइम लग सकता है। बहरहाल हम ये चाहेंगे कि आपकी तरफ से कोशिश में कोई कमी न रहने पाए। ओके। हेलो। क्या किया तुमने? जो आपने कहा था वो तो मैंने कर दिया, अब आगे बताओ क्या करूं मैं। ठीक है, अब वो 5 शीशियां ले आओ, मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कहां आऊं मैं? चाबी ये है, मगर बताओगी नहीं कि कहां जा रही हो? मैंने कहा ना, एक बहुत जरूरी काम है, जल्दी आ जाऊंगी। मैं भी साथ चलूं? नहीं शुक्रिया, मेरा अकेले जाना बेहतर है। खुदा हाफिज। क्या कोई मुश्किल खड़ी हो गई सोहेल? नहीं, तुम अपनी गाड़ी कुछ वक्त के लिए मुझे दे सकते हो? अली कहाँ है? सलाम डॉक्टर ईरान मनीष, माफ कीजिएगा आपको परेशान किया, कोई आपके साथ तो नहीं आया है ना? देख नहीं रहे हो, अकेली हूँ मैं। क्या दवा लाई हो? पहले मैं अपने अली को देखूंगी, फिर तुम्हें दवा दूंगी, अभी इसी वक्त। तो ठीक है। वहीं रुकी रहो, रुक जाओ। मेरा बेटा। पहले मुझे दवा दो। ठीक है, डरना नहीं बेटा। चुप कर।
ठीक है डॉक्टर मैडम, अपनी जगह पे खड़ी हो जाओ। मेरे पास इसे क्यों नहीं आने दे रहे हो? ये बच्चा बीमार है, प्लीज बेटा। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश, अभी आ जाओगे तुम मेरे पास? तुम तो अकेले आई थी ना मैडम? मेरे यकीन करो, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज। मैं तुमसे पहले ही कह रहा था मेरे साथ धोखा मत करना। तो फिर ये कौन है डॉक्टर? तुमने खुद ही अपना काम बिगाड़ा। बेटा अली, ये दवाई मुझे तो। अरे क्या कर रहे हो? अली, अली, अली मेरा बेटा, अली ठीक है ना? कुछ देर में पकड़े जाओगे, पुलिस तुम्हारे पीछे है। एक चाहिए, एक शीशी दे चुके हैं, मगर कम से कम दो शीशी और चाहिए। इससे ज्यादा अहम बात क्या हो सकती है कि फैक्टरेट को इंपोर्ट करने का लाइसेंस मेरी मेज पर है। मुबारकबाद देता हूं, मगर क्या तुम इसको कंपनी के फायदे में बदल सकोगे? सर अभी भी शायद आपका मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि क्या कर रहा हूं। आज सुबह मेरे पास फोन आया कि फॉरेन मिनिस्ट्री पहुंच जाऊं। डॉक्टर सदरा भी मीटिंग में थे। तो यहां मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं वो ये है कि अग्रीमेंट के मुताबिक प्रोजेक्ट के फेल होने की वजह से उस पर साइन हो गए। ठीक है, अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए हो तो एक बात मेरी याद रहे, फैक्टर 8 फॉरेन मार्केट में ना आने पाए। मैंने उनसे 1-2 हफ्ते का टाइम लिया है। 20 दिन से 1 महीने तक। मगर सर पेशेंट्स ने इतना बर्दाश्त किया वही बहुत है। मैंने कहा ना, 20 दिन से 1 महीने तक। हेलो, हेलो, कौन है? एक्सक्यूज मी, गेट से फोन आया है, डॉक्टर ईरान मनीष आपसे मिलना चाहती हैं। ईरान मनीष? सलाम। मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा डॉक्टर ईरान मनीष? जहां तक मुझे याद आ रहा है आपने कहा था कि फिर कभी इस कंपनी में कदम नहीं रखूंगी, और आज आप यहां हैं और मुझसे मदद मांग रही हैं। मुझे कुछ शीशी फैक्टर 8 चाहिए बस। आपके बेटे को कुछ हो गया है क्या? बस कीजिए ये खेल डॉक्टर, मैंने अभी आपके सामने कबूल किया कि मैं हार गई, नहीं किया क्या? आप ये मत कहिए कि मुझे नहीं पता था। आप जानते हैं मैंने अपना बेटा वापस ले लिया और वो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है। मुझे आपकी ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं। मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है, वो कोमा में जा सकता है, प्लीज डॉक्टर। आपके बच्चे की हालत ठीक नहीं है, मेरी मदद की जरूरत है, आप इसीलिए यहां आई हैं। आपकी इन बातों का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं मैं।
आपका मतलब कि आप किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं जानते? किडनैपिंग? अब ये नया गेम शुरू हो गया है ना? नहीं डॉक्टर, ये गेम नहीं। मेरा बेटा हॉस्पिटल में है और मौत जिंदगी से खेल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आप चाहते थे आप इस खेल में जीत जाएं और जीत गए। आप डॉक्टर, आखिर आपने वो काम कर दिया जो सबसे घटिया आदमी कर सकता है। आपने बहुत गंदा खेल खेला है मेरे साथ डॉक्टर। क्या कह रही हैं आप? किसी बीमार बच्चे को अगवा करना, कैसे आपने ये सब कुछ किया डॉक्टर? आप ये करने को कैसे तैयार हो गए? यकीन कीजिए, पुलिस अजीम को जरूर पकड़ लेगी डॉक्टर, वो चाहे जहां भी हो। अजीम? सबसे पहले वो जो नाम बताएगा वो आपका होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? वक्त बहुत कम है डॉक्टर साहब। अली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ब्लीडिंग पर कंट्रोल नहीं हो सकता है क्या? अगर पॉजिटिव रिजल्ट ना रहा और कोमा में चला गया तो? मुझे यकीन है ये सही असर करेगी। आपको तो पता है कि हम ह्यूमन टेस्ट की स्टेज में आ गए थे। जनाब कामयाब, मुझे लगता है आप थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी अपने सर लेता हूँ। हेलो, क्यों फोन किया है? मैंने कहा था ना कि ज्यादा फोन मत करना। कहा था मगर जरूरी था। अच्छा बोलो, ये किडनैपिंग का क्या मामला था? कौन सी किडनैपिंग? आप कहना चाह रहे हैं कि आपको पता नहीं है? मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो? माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया गया था? अगर जरूरी होता तो जरूर बताता। लेकिन आप शायद नहीं जानते हैं कि आपने इस काम से सब कुछ खराब कर दिया। किडनैपिंग, वो भी अजीम से। अरे आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये सीधे सीधे एक बहुत बड़ी गलती है और आजकल में पुलिस यहां पर आने वाली है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है जलायर। मेरी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम भी है सर। उनके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसमें सिर्फ तुम फंसोगे, इसलिए तुम अपने बारे में सोचो। तुमने हमारे लिए अच्छा काम नहीं किया जलायर, बाकी अब हम खुद कर लेंगे। मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया गया था? सर मैंने सोचा आपको तो पता ही होगा। बहुत खूब, अब तो बता दो कुछ। क्या बताऊं सर, जैसे ही मुझे ऑर्डर मिला और मैंने उस पर अमल किया, उसे अंजाम भी दे दिया। डॉक्टर के बेटे को किडनैप किया और उन्हें मजबूर किया कि दवाओं में जहर मिला दे, लेकिन सोहेल के आने से सब उल्टा हो गया। यहां से बाहर चले जाओ। बाहर? मैंने फैक्टर 8 की ये कुछ शीशियां डॉक्टर जलायर से ली हैं, ये है मेरे पास। मायदा, मुझे नहीं लगता अब इसकी कोई जरूरत पड़ेगी। हाँ?
क्या जनाब कामयाब ने लिखित में दिया है कि वो दवा जो आप लोगों ने बनाई थी आपके बेटे को दी जा सकती है? जी हाँ, मैं इन्हें लिख कर दे चुका हूं। दवा ने अपना असर दिखाया है और अब ब्लीडिंग रुक गई है। डॉक्टर ईरान मनीष, आपको मुबारक हो। दुबई के लिए आज ही रात को। तो ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। चलना चाहिए हमें।
हम इस कामयाबी के लिए डॉक्टर ईरान मनीष और उनकी टीम के एहसान मंद हैं। दरअसल हम तो सिर्फ इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, बड़ा काम था। कई बार हमें नाकामी का सामना करना पड़ा। अगर डॉक्टर ईरान मनीष की कोशिशें न होती तो ये प्रोजेक्ट बहुत पहले ही रुक जाता। इस कामयाबी की वजह ये नौजवान डॉक्टर्स हैं। मैं इन सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। मैं इसे बहुत बड़ी इल्मी कामयाबी मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ हमारे ईरानी नौजवान आइंदा भी ऐसे अच्छे कारनामे करते रहेंगे। और मेरी ख्वाहिश है तमाम ऑफिशियल्स, मुल्क के ऐसे इंटेलेक्चुअल्स नौजवानों की हमेशा इसी तरह कद्र करते रहें। सर ने ये नहीं बताया कि ये दवा हमारे मुल्क के अलावा सिर्फ अमेरिका में बनती है और अब तक बहुत भारी कीमत अदा करके हमारे मुल्क के कुछ लोगों तक ही पहुंच पाती थी। आज के बाद हम इस दवाई को बहुत कम कीमत पर अपने ही मुल्क में बना के अपने ही वतन वालों को दे सकते हैं और यही हम सब लोगों का ख्वाब भी था और आज ये ख्वाब पूरा हो गया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ ख़ास नहीं कहना है, बस इतना ही कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतनी बड़ी कामयाबी के लिए एक छोटा सा रोल अदा कर सका। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस दवा के बनने से मेडिसिन की दुनिया में इनकलाब आएगा और यह हमारे लिए बहुत किफ़ायती होगी। उनकी इस कामयाबी पर हमें नाज है। नौजवान ईरानी साइंसदान ने यह साबित कर दिया कि हम कर सकते हैं। एक और खबर जो पिछली खबर से ही जुड़ी हुई है कि मुल्क में दवाओं के एक माफिया ग्रुप को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस इंटरनेशनल ग्रुप का पर्दाफाश किया है माहदी काशिफी नाम के एक ईरानी वकील ने और उसके सबूतों और दस्तावेजों को पुलिस के हवाले कर दिया है।